गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुबह हो गई, मैंने चाय वाय सब पी ली और अब मैं सोच रही हूँ मैं वीडियो बनाऊं। मेरा मुंह देखो, मत देखो, पर मैं वीडियो में क्या बनाऊं? कोई मुझे एडवाइस दे कि मैं अब क्या क्या करूं। देखो, घर का तो ऐसा है कि आप उसको एवरी डे संभालोगे, एवरी डे अस्त व्यस्त होता है। बताओ, ऐसा होना चाहिए क्या? अभी ओंधा पोंधा पड़ा, 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा, अब उसको क्या दिखाऊं? और थोड़ी देर के बाद मैं वहीं की वहीं क्या करूं? देखो, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट क्या बनाऊं। कोई मुझे एडवाइस नहीं देता, मेरा फोन नीचे गिर गया बेटा। यार, छोटे थे तो कव्वाली गाते थे, लेकिन उसमें 2-4 लोग थे, कव्वाली गाने में मजा आता था। अभी तो कोई कव्वाली नहीं गाता है, नो गुड है ना। कव्वाली होना चाहिए। एक बार ही मरते हैं हम, 100 बार ही नहीं मरते। काफी देर सोचने के बाद भी मुझे मेरे को कुछ समझ नहीं आया और फिर मैं निकली बाहर। That's it for today. खुद को तैयार करके किस चलो को मुझे कुछ करते हैं। ठूसा मारने का मन हो रहा तो देखिए, कृपया कमेंट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? खुल जाना रे, मैं अच्छी हूँ और ऐसी ही उम्मीद मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। और हमारे यहाँ धूप आ गई है और जितनी तगड़ी वाली आई है ना कि आप बरसात मिस कर नहीं कर रही। मिस मुझे गर्मी अच्छी लगती है, समर अच्छा लगता है, खुला खुला लगता है, नहीं तो डिप्रेशन लगता है। और देखो, क्लियर स्काई, एकदम क्लियर है, साफ साफ धुला धुला आसमान। ये किसी ने आसमान में पेंटिंग कर दी है ना। एक मिनट में पहाड़ दिखाने चाह रही, नहीं दिखाए, दूर से देख लो, दूर से देखो, दूर से। तो आज का मौसम कुछ इस तरह से है और कल इससे ज़्यादा गर्म था, तो पूरा दिन एसी चलाना ही पड़ा। मुझे बाहर घूमने जाना है और मैं परेशानी में थी कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। और इतने में तो मुझे दिखा आसमान में चौपर और मेरे को मिला थोड़ा चौपर। चौपर 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 पुलिस वाला है, किसको पीछा कर कुछ हुआ आसपास? क्या गड़बड़ हुई? अब जब तक वो जो भी वारदात हुई होगी उसको नहीं पकड़ लेंगे, वो यही घूमता रहेगा। हेलो चॉपर, हाँ मुझे पता है तेरे पास भी कैमरा होगा, तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़माने पर सबको मालूम है। अब देखना ये कितनी देर घूमता है, फिर आएगा क्या? लग तो है, सबको मालूम है और सबको खबर गई। तो गाइस, एक चक्कर लग चुका और आई थिंक ये दूसरा भी इधर ही आ रहा है। रुक गया क्या? स्लो हो गया, ये स्लो हो गया। हाँ, नीचे उतरेगा, घूम तो रहा है पर अब इतने क्लोज नहीं आ रहा है। कुछ तो हुआ है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। उधर की तरफ हुआ है, दूर देखिए किधर की तरफ। जो जो एरिया होगा ना जहाँ पे, नहीं 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 नहीं, आ रहा है आ रहा है, आजा आजा आजा, पेड़ में मत घुस। फिर मतलब कि यही कुछ हुआ है। चलो
गर्मी के मजे लेते हुए, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है रोज रोज कुत्ते को बाहर ले जाना। उनको अपने आप करते आना चाहिए ना। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं थोड़े दिन के हैं, गर्मी के बाद गर्मी के कारण ये तहस नहस हो जाए। देख लीजिए अभी इस पेड़ में भी फ्लावर आया, फ्लावर के बाद क्या आगे। और ये डब्बा मैंने धोया ताकि मैं इसमें और कुछ रखूँ। फिर हो रहा था मेरा खाना बनाने का टाइम, तो मैंने सब्जी काटी और सब्जी भाजी काटते हुए कुछ अपने आप से बात करते हुए कुछ आप लोगों से बात करते हुए मैंने शुरू किया कुकिंग। और मेरे बनाई लाल कैमरा गलत सेट कर दिया, फिर से सेट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं ब्लूपर, जो है बिल्कुल सिल के ऊपर। चलो बेटर एलिगेटर। यस देखो यार, मैं सीधी नहीं रह सकती, मेरी में बड़ी बीमारियां हैं। लोग सीरियस रहते हैं यार, कहाँ रखा सीरियस रखने में। आप अच्छे बन जाओगे। नो आई थिंक उनको ऐसा लगता है। आज मैं चली हूँ लहसुन छीलने। मैं हफ्ते भर के लहसुन छील के रख लेती हूँ और पेस्ट भी बना के रखती हूँ। अभी रखा हुआ है तो पेस्ट अभी नहीं, मैं पेस्ट बना के फ्रिज में रख देती हूँ और जब मुझे सब्जी वगैरह के लिए चाहिए होता है तो मैं उसको निकाल के बना लेती हूँ। तो हर बार मुझे वो पीसना पासना ये सब नहीं करना होता है, तो मेरा काम का तरीका ये है। यार दो दिन के लिए फिर वही लंबा चौड़ा प्रोग्राम करो कि छीलो काटो, तो बेटर है कि छील के रख लो। फिर मैं कैसे बना के रखती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में या कभी भी जब भी होगा मन। मैं सारा काम मन से करती हूँ या नीड। अभी क्योंकि बना हुआ है तो मैं नहीं कर रही हूँ। तो लहसुन छील रहे हैं, लहसुन छील रहे हैं, लहसुन छील रहे हैं, लहसुन तो छील रहे हैं मेरे यार। ये है लाल भाजी, इसे यहाँ पर रेड स्पिनिच बोलते हैं, इस पर लिखा तो वही था। तो इसे मैं बनाएगी खाएगी, आपको नहीं खिलाएगी। बताओ कैसे खिलाएगी मैं, टूटना। फाइनली इसको बनाने का समय आ गया। मैं दो तीन सब्जी ज़्यादा ले आती हूँ साथ में ले आती हूँ, तो फिर खाने वाली मैं ही। अंकिता नहीं खाती ज़्यादा अब से सब्जी, मेथी खा लेती। मेथी पालक भी पसंद है उसको, बट हर कुछ नहीं खाती। लाइक मैं ये खाती हूँ, उनको नहीं खाती। मैं इसको प्याज से बगाड़ती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बगाड़ते हैं। इसके बड़े पत्ते होते हैं ना, जल्दी साफ हो जाती है, तो मेथी को टुच 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 साफ करना पड़ता है।
फिर से हेलीकॉप्टर भाई। अच्छा जा रहा होगा ना, बाय बाय। ओ ये उठ गया, वेट तो मैं बनाने चली हूँ लाल भाजी, जिसमें मैं इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, डर से ना मैं तो ऐसे बना के फिर इसमें डालूंगी मीट, खड़ी लाल मिर्च। तो ये है मेरा मीठा दही। और मैंने उसके साथ बनाई पूरी। आटा गलती से ज्यादा गूंद गया था तो बनाना पड़ी। और ये सब्जी, सब्जी कितनी सी ली पर पूरी, मैं इतनी पूरी नहीं खाऊंगी, मैं बस इतनी खाऊंगी। पर इसको जब ऐसे करते हैं तो कितना मजा आता है, आपको आता है? किसी को मजे लेना आता ही नहीं है लाइफ से, सिर्फ मैं ले सकती हूँ। अब मैं खाने चले, मिलते हैं बाद में। इन सब पागल पंतियों के साथ मैं अपना व्लॉग ही ख़त्म करती हूँ। होप आप लोगों को मेरा ये थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला व्लॉग पसंद आया होगा। नहीं भी आया हो तो आप पसंद करें, उसे लाइक शेयर और कमेंट करें और बने रहें हमारे मेरे साथ, क्योंकि आगे और अच्छा अच्छा कुछ आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये व्यू करें, एंजॉय।